VectorForce.com. सर, आप परदहा के खंड शिक्षा अधिकारी हैं और परदहा का ही विद्यालय है उस्मानपुर, जहाँ के सभी बच्चों ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है और आज उन अध्यापकों को सम्मानित किया गया है। आपको कैसा लग रहा है और क्या आपने ऐसा शिक्षा प्रणाली अपनाया जिसके कारण जो है दसों ब्लॉक में आपका ब्लॉक जो है, आपके ब्लॉक का विद्यालय जो है वो प्रथम स्थान पाया? देखिए, उस्मानपुर पिछले साल इंग्लिश मीडियम विद्यालय बनाया गया था और यहाँ के करीब करीब सारे स्टाफ 3-4 लोग नए आए थे और यह इन लोगों की इच्छा शक्ति का परिणाम है। योजनाएं तो हर जगह वही है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं भी हैं, लेकिन इससे सिद्ध होता है कि जहां अध्यापकों में टीम भावना और इच्छा शक्ति हो वह किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है और वे लोग एक रोल मॉडल के रूप में हैं। और उस्मानपुर विद्यालय 3 साल पहले उसकी स्थिति बहुत खराब स्कूलों में से उसकी सूची थी, लेकिन पिछले साल भी इनके बच्चे आए थे और इस साल पूरे जिले में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसके लिए यहाँ का स्टाफ बधाई का पात्र। सर, मिशन पहचान जो है उसके बारे में आपको क्या लगता है कि यह मिशन पहचान जो चलाया जा रहा है इससे कितना लाभ बच्चों को और कितना अध्यापक को और कितना समाज को हो रहा है? मिशन पहचान हमारे BSA साहब की एक ऐसी नई पहल थी, नवाचार था, जो एक एक स्कूल में एक एक बच्चे में यह एक भावना मतलब आया कि हमको कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और 2 साल से मिशन पहचान यहाँ हो रहा है और हमको लगता है कि प्रदेश भी इसी नक्शे कदम पर लर्निंग आउटकम जो परीक्षा करा रहा उसमें भी वही है कि एक बच्चे का क्या स्तर है, उसको किस विषय में क्या नहीं आता है, तो वही चीज़ मिशन पहचान थी। अगर 4 बार परीक्षाएं हुई हैं, अगर टीचर ध्यान से देखे कि कौन बच्चे में किस विषय में कमजोरी है तो वह उसके स्तर के आधार पर अगले में सुधार कर सकता है। वही चीज़ आज सरकार भी बहुत पैसा खर्च करके कर रही है जो यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह मिशन पहचान प्रतियोगिता जिससे बच्चों को इतना ज़्यादा लाभ है, क्या यह आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल जारी रहेगा और इस पूरे उत्साह के साथ हमारे जो सम्मानित गुरुजन हैं इसको आत्मसात कर चुके हैं और उनकी पहचान बन गई है, क्योंकि इससे एक न केवल समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है बल्कि बच्चे के ज्ञान से ही गुरु जी की पहचान स्थापित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे सर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी OP त्रिपाठी। सर, सभी लोग के गले में माला है और हाथ में प्रमाण पत्र और एक प्रतीक चिन्ह भी दिख रहा है। सारे अध्यापक हैं और सभी लोग बहुत प्रसन्नचित दिख रहे हैं, क्या ऐसा क्या आज आयोजन था? ये बेसिक शिक्षा मऊ के बच्चों के जो गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक नवाचार मिशन पहचान संचालित है। विगत वर्ष मिशन पहचान मूल्यांकन परीक्षा में ब्लॉक स्तर पर सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया और जब ब्लॉक की एक मेरिट बनाई गई तो उसमें जो प्राथमिक विद्यालय उस्मानपुर है उसने जनपद में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 1 साल में आशातीत सफलता की, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने इन लोगों को एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित करने और दूसरे लोग इनसे सीख लें, इसलिए इस विद्यालय के सभी स्टाफ को, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, यहाँ तक कि रसोइयों को भी उनका माल्यार्पण करके, उन्हें प्रतीक चिन्ह देके उन्हें सम्मानित किया गया है और इस बात के लिए उनकी प्रशंसा की गई है कि उन्होंने पूरे लगन से, पूरे मेहनत से, पूरी निष्ठा के साथ एक पहचान बनाई और जनपद मऊ को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना योगदान दिया। किस तरह का शॉप है? एक महिंद्रा, ये M शॉपी है, एक्सक्लूसिव, यहाँ पे महिंद्रा का जेन्युइन स्पेयर ही मिलेगा जी। इसके अंतर्गत जो गाड़ियों में सामान, नया गाड़ी आती है जो फिट होकर आते हैं, वैसे ही पार्ट हम लोग जो अलग से देते हैं आफ्टर मार्केट में, तो इस शॉपी के थ्रू पूरे मऊ में जेन्युइन स्पेयर प्रदान की जाए। महिंद्रा जितने गाड़ी हैं, महिंद्रा जितने भी गाड़ियाँ, टू व्हीलर या फोर व्हीलर? फोर व्हीलर, फोर व्हीलर, इवन ट्रैक्टर्स की भी जरूरत हो या ट्रक हमारी जो आती है महिंद्रा की, उसका भी, बोलेरो, स्कॉर्पियो, जो भी हो, ए टू जेड सारी गाड़ियों का स्पेयर पार्ट्स यहाँ मिलेगा। उसके साथ इंजन ऑयल भी मिलेगा, मैक्सिम ऑयल या जो भी हमारे आते हैं कूलेंट्स, जो भी है। और ये हमारे पूर्वांचल में M शॉपी पिछले, मतलब ये महिंद्रा का कंसेप्ट जो है पिछले 3 साल से आया हुआ है, बट पूर्वांचल में अभी हम लोगों की ये 7वीं M शॉपी है जो कि मऊ में हम लोग, इसके पहले हमारी मऊ में पहले ये शॉप है, एक डिस्ट्रिक्ट में अभी एक बना रहे हैं, इसके पहले हमारे गाजीपुर में शॉपी है, आजमगढ़ में भी है, बनारस में भी है, सोनभद्र में है, संत कबीर नगर में है, जौनपुर में है,
और ये सातवीं शॉप है सर। इसमें महिंद्रा के जो कस्टमर है, महिंद्रा एक्सक्लूसिव स्पेयर पार्ट की एक शॉप है, कंसेप्ट है एम शॉपी का, महिंद्रा एम शॉपी। महिंद्रा के जो कस्टमर हैं उनको कुछ स्टार्टिंग में कुछ रियायत भी है? बिल्कुल, वो तो ये इनके पास स्कीम्स वगैरह कस्टमर्स के लिए आती रहेंगी, टाइम बाय टाइम आती रहेंगी। पहले देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कस्टमर की अवेलेबिलिटी हम लोग पहले जो नहीं दे पाते थे। मऊ में क्या होता था, जेन्युइन स्पेयर पूरी तरह से उपलब्ध नहीं रहता था, कस्टमर उसके चलते उनको या तो गाजीपुर जाना या गोरखपुर जाते थे या बनारस जाते थे, वो चीज़ अब नहीं होंगी जी। यहाँ गाड़ियाँ मतलब खुलेंगी, तुरंत स्पेयर अवेलेबिलिटी होगी, वो चीज़ें होंगी। थैंक यू। Yeah।